हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल अर्जुन। आज हम आपके साथ एक बेबी मसाज ऑयल का ऑनेस्ट एंड डिटेल्स रिव्यू साथ ही साथ डेमो शेयर करेंगे। न्यू मॉमीज के मन में ढेर सारा क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा वाला ऑयल न्यू बॉर्न बेबीज के लिए सूटेबल है। साथ ही साथ 0 to 5 ईयर्स मॉमीज भी ढेर सारा टेंशन लेते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करूँ, कौन सा ऑयल ऑल सीजन के लिए मेरे बच्चे के लिए सूटेबल है। तो अगर आप भी ऐसा कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और लिटिल अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फर्स्ट में दिखा देते हैं आज का प्रोडक्ट। आज मेरे हाथों में है मामाअर्थ सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज। ये है 200 ml का एक बोतल और देखिए प्लास्टिक का बोतल है, फ्लिप टॉप पैक में आते हैं, पूरा पूरा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है। और इसका प्राइस है बस 399 rupees। मार्केट में तो ढेर सारा बेबी मसाज ऑयल अवेलेबल है, इससे कम प्राइस में भी अवेलेबल है, इससे ज़्यादा प्राइस में भी अवेलेबल है। लेकिन ये क्यों अफोर्डेबल मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट्स और ये इंडिया मेड है और ये प्योर मेड सेफ है, 100% नेचुरल है, टॉक्सिन फ्री है, वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए एकदम सूटेबल एक बेबी मसाज ऑयल है। मसाज ऑयल अगर प्रॉपर मसाज ऑयल से मसाज करोगे तो बेबी को ढेर सारा बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर मसाज ऑयल ख़राब हो, उसके अंदर कोई केमिकल हो तो बेबी इरिटेट हो जाते हैं, बेबी का स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, रैश आ जाते हैं, एलर्जी आ जाते हैं। तो ये सारे बात दिमाग में रख के न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बेबी मसाज ऐसा ही चूज़ कीजिए जो क्लिनिकली टेस्टेड, हार्मफुल केमिकल फ्री, वेगन, क्रुएल्टी फ्री, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट बेबी के स्किन के लिए सूटेबल भी होना चाहिए। और ऐसा ही एक प्रोडक्ट है मामाअर्थ सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज। इसके अंदर है सेसमी ऑयल, आमंड ऑयल एंड जोजोबा ऑयल। सेसमी ऑयल स्किन को अंदर से नरिश्ड रखते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और साथ ही साथ मसल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और इसके अंदर है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल तो हम सबको ही पता है स्किन को ब्राइट बनाते हैं। स्किन न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली मॉइस्चर देते हैं आमंड ऑयल, अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, स्किन को नरिश्ड रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, साथ ही साथ हाइड्रेटेड भी रखते हैं। और है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल स्किन को ब्राइट बनाते हैं, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करते हैं, स्किन को नरिश्ड रखते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, साथ ही साथ स्किन का जो टेक्सचर है उसको और भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं जोजोबा ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। तो ये ऑयल तो मेरे हिसाब से एकदम सही है और साथ ही साथ ये प्लास्टिक पॉजिटिव है। ऊपर में लिखा है वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। देखिए कंटेनर तो बहुत ही सुंदर है, अगर आप लोग बेबी को मसाज कर रहे हो उस टाइम में बेबी को तो बोतल चाहिए ही चाहिए, वो आप लोग ऐसे ही दे सकते हो, लीकेज का कोई टेंशन नहीं है। और ये ऑयल बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं और नॉन स्टिकी है, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन होल सीजन के लिए चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, रेनी सीजन हो, आप आराम से ये ऑयल ट्राई कर सकते हो। और ये 0 to 5 ईयर्स बेबीज के लिए है। न्यूबॉर्न बेबी एकदम डे वन से जब आप लोग मसाज शुरू कर रहे हो उस दिन में अगर मामाअर्थ सूदिंग बेबी मसाज ऑयल यूज करना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पैराबिन, SLS, SLES ये सारे कुछ नहीं है, पूरा के पूरा नहीं है, ऊपर में लिखा है 100% नेचुरल। तो आप आराम से आपके न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ये ऑयल चूज कर सकते हो। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज होते हैं और साथ ही साथ न्यूबॉर्न बेबीज के स्किन के ऊपर वो लेयर नहीं रहते हैं जो बाहर के धूल मिट्टी पोल्यूशन और सनरेज से स्किन को प्रोटेक्ट करे। इस टाइम में हमें ऐसा ही एक ऑयल का सर्च रहते हैं जो स्किन को अंदर से नरिश्ड रखे, मॉइस्चराइज रखे, स्किन को हाइड्रेटेड रखे, स्किन का पीएच मेंटेन्ड रखे, साथ ही साथ स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाए। और ये सारे के सारे काम करते हैं मामाअर्थ सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज। पर मैं क्लेम किया है हाय आई एम मामाअर्थ मसाज ऑयल, आई नो मसाज टाइम इज लव टाइम वेयर यू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विथ योर बेबी। ये बात एकदम सही है, मसाज करने का टाइम बेबी से इंटरप्ट होते हैं, बेबी से बातें करती हूँ और बेबी भी हमारे साउंड से
और भी ज़्यादा ऑयल नोन होते हैं, हमारे रिलेशनशिप एक बिल्डअप होते हैं। और इस जगह पे और एक बात बोलना चाहती हूँ, कभी कभी न्यू मॉमिस बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि मैं मसाज करूँ या नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन में एक बार ज़रूर आप मसाज कीजिए, उससे बेबी को और भी खुशी आते हैं और बेबी को बेनिफिट भी मिलते हैं और आपको भी बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि धीमे धीमे से तो सीखना है। तो डे वन से एक बार करके आप ही मालिश कीजिए। और इंग्रेडिएंट्स लिखा है सेसमे सीड ऑयल, जो मैंने बता दिया काम क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल तो चाहिए, ऑलिव ऑयल स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल ये एक ऐसा ऑयल है जो स्किन को क्लीन करते हैं, साथ ही साथ स्किन को नरिश्ड मॉइस्चराइज भी रखते हैं। कोकोनट ऑयल को एज ए क्लींजर भी हम लोग जैसे यूज़ करती हूँ, सेम तरीके से ये ऑयल स्किन को क्लीन भी करते हैं। आमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैलेंडुला ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, आर्गन ऑयल, विटामिन ई ऑयल, जिरेनियम ऑयल, तो ये सारे ऑयली बेबी के लिए एकदम बेनिफिशियल है। बेबी के स्किन को नरिश्ड मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड रखते हैं, साथ ही साथ स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट बनाते हैं। जैसे देखिए बड़ा होने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कैसे स्किन में ग्लो प्रोवाइड करूँ, क्या करूँ, लेकिन डे वन से अगर आप लोग थोड़ा बहुत केयर करोगे तो वो टेंशन बेबी को लेने का ज़रूरत नहीं है। उसी जगह में बेबी का स्किन इम्प्रूव हो सकते हैं, बेबी का जो मसल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो बोन्स है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ ही साथ बेबी का हेल्दी वेट गेन में भी मदद करते हैं ऑयल। ये बात एकदम सच एंड साथ ही साथ प्रूव्ड भी है। और ये ऑयल ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, चाहे आपके बेबी की स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, जैसे भी हो आप यूज़ कर सकते हो, सीजन जो भी हो यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मेरे को बेनिफिशियल लगा है और बोतल के ऊपर ही लिखा है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% नेचुरल है, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये देखिए वेगन है, इसके ऊपर ये ग्रीन सिंबल है, तो ये पूरा का पूरा सेफ है हमारे न्यू बॉर्न बेबीज से लेके 5 ईयर्स बेबीज के लिए। आप लोग चाहो तो एक बार खुद के स्किन में भी अप्लाई करके देख सकते हो, मैंने अप्लाई किया है और बहुत ही सुंदर जो एरोमा है बहुत ही सुंदर है। बेबीज को एरोमा एकदम भी पसंद नहीं आते हैं, हमें पता भी नहीं रहते हैं कि कौन सा वाला एरोमा बेबीज को पसंद है और कौन सा वाला एरोमा पसंद नहीं है। और इसका जो एरोमा है वो बहुत ही लाइट है, बेबी के लिए एकदम भी इरिटेशन क्रिएट नहीं करेगी, साथ ही साथ बेबीज के स्किन को रखेगी नरिश्ड मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड। और ये ऑयल का जो कंसिस्टेंसी है तो वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम थिन रनी कंसिस्टेंसी का भी नहीं है, आप लोग आराम से इसी ऑयल से मसाज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं ये ऑयल से कैसे अर्जुन को मसाज करती हूँ वो दिखा देती हूँ। मेरी आज की मामाअर्थ सूदिंग मसाज ऑयल फॉर बेबीज का ऑनेस्ट रिव्यू एंड साथ ही साथ डेमो। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसा ही वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।